प्रसाणम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो आयरियाणम्। ॐ नमो आयरियाणम्। ॐ नमो उवज्झायाणम्। आरती 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 आरती। जानते हो कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? जिन्हें मिलना होता है वो तो मिल ही जाते हैं मेरी जान, समझी? नहीं समझी तो समझाऊं? ए अमर, यू गॉट सच अ गुड गर्ल यार, यू आर रियली लकी। सुना तुमने क्या कह रहे हैं ये लोग? आई एम रियली लकी। आई एम लकी। आरती, डैडी, ये कोई वक्त है कॉलेज से लौटने का? जी वो मैं कॉलेज के पिकनिक पे गई थी ना, तो रास्ते में बस खराब हो गई, थोड़ी सी देर हो गई। वैसे मैं मम्मी को बता के गई थी। हाँ हाँ, ये मुझसे पूछकर ही गई थी। आइंदा तुम जिधर भी जाओ हमें बता कर जाया करो। अब बेटा हम अपनी गाड़ी भेज देते, ड्राइवर भेज देते। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी, सेठ शक्ति दयाल की बेटी, छोटे मोटे लोगों के साथ बस में सफर करे। पर डैडी, बस में जाने में क्या बुराई है? बस में भी तो इंसान ही बैठते हैं और कॉलेज में तो सब एक समान होते हैं। देखा, तुम्हारी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है कि हमें शिक्षा दे रही है। नहीं डैडी, मैं आपको शिक्षा नहीं दे रही, सिर्फ आपके बात का जवाब दे रही हूँ। ओफो, ये आप दोनों बाप बेटी कौन से सवाल जवाब के चक्कर में पड़ गए। चलो आरती, अंदर आओ। चलो हेलो हेलो हाय हेलो। तन्हा दिल घबराता है, मीठा दर्द जगाता है, आ जाओ तुम जल्दी से, दम घुटता सा जाता है। जाता है, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है।
लिए मैंने टेलीफोन किया है। हेलो 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 हेलो। अभी तो घर की डैडी है, अभी नहीं मैं आ सकती, दिल को जरा संभालो ना, अभी तो मिल के आई हूँ। अभी तो घर की डैडी है, अभी नहीं मैं आ सकती, दिल को जरा संभालो ना, अभी तो मिल के आई हूँ। फिर किसे लिए तुमने टेलीफोन किया, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है, इसलिए मैंने टेलीफोन किया है। अच्छा बाबा, अब बंद भी कर दो ना।
कल मिलोगी? हाँ। वादा? वादा। Hey, I love you. I too. मेरी जिंदगी का उसूल है, बेईमानी मैं करता नहीं हूँ और मेरे साथ बेईमानी करने वाले को मैं छोड़ता नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? अंकल, चलो। अब क्या होगा? होगा क्या, साफ साफ घर जाके कह देना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वाह 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 वाह, इतनी आसानी से कह दिया कि घर जाके कह दो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जो मार पड़ेगी वो। जो बात कल होनी है वो आज हो जाएगी। अब चलो। बेटा, कौन था वो लड़का? जी उसका नाम अमर है, हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। और तुम उससे प्यार भी करती होगी? जी। सुना भैया, कितने फखर से हाँ कह रही है, आजकल कॉलेज में यही नॉनसेंस पढ़ाई जाती है। आप लोगों को तो हर बात का तमाशा करने की आदत पड़ गई है। अरे भाई, हो सकता है कि लड़का अच्छा हो, अच्छे खानदान का हो, और फिर कहीं ना कहीं तो आरती की शादी करनी ही है ना। आरती, तुम लड़के के घर वालों से कहो कि हमसे आकर मिले। वेरी इंटरेस्टिंग मैन, आप भी बहुत दिलचस्प हैं। अजी जनाब, ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बाय द वे सेठ जी, जी आपका बिजनेस क्या है? अजी पूछिए मत जनाब, ये शहर के हर बच्चे हर आदमी के सीने पर हमारा नाम छपा हुआ है। जनाब जाने दीजिए, हमारी बात छोड़िए, आपका बिजनेस क्या है? क्या बताएं, आप सुनते सुनते थक जाएंगे। वाह 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 जनाब, आप जैसी पार्टी मिल जाए तो जिंदगी सुधर जाए। लीजिए जनाब। ये लो तुम्हारे 50 रुपए। साफ छुट्टा नहीं है। तुम एक काम करो, पूरा ही रख लो। वाह जनाब वाह, आप जैसी पार्टी दिन में एक भी मिल जाए ना तो हमारी तो जिंदगी बन जाए। कहीं तुम नंदू दर्जी तो नहीं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं नंदू दर्जी ही था और आज भी वही काम है, लेकिन आज नंदलाल एंड सन्स है। और कहीं आप गंगा प्रसाद जी के सुपुत्र शक्ति दयाल जी तो नहीं है? कुदरत का करिश्मा देखिए जनाब, आपके हाथों से बख्शीश लेने वाला ये नंदू दर्जी आज आपका समधी बनने जा रहा है। गेट अप, गेट अप। कुछ गलती हो गई सर? इससे पहले कि मैं तुम बाप बेटों को धक्के मार के यहां से बाहर निकालूं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी इसके आगे कहा तो आप समझते क्या है अपने आप को? चौधरी होंगे आप अपने घर में। Who cares and bothers? Who and what you are? एक मिनट बेटे, एक मिनट। सरकार दुनिया बदल गई है, जमाना बदल गया है। जमाना बदल सकता है लेकिन तुम लोगों की जात नहीं बदल सकती। क्या चौधरी खानदान के दिन इतने हल्के आ गए हैं कि वो अपनी बेटी की शादी एक दर्जी के बेटे के साथ करे? Now just a minute मिस्टर चौधरी, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। प्लीज बिहेव योर। मिस्टर, इंग्लिश बोल लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से गला घोड़ा नहीं हो जाता। इससे पहले कि मैं तुम्हें उठा के फेंक दूं, अपना हाथ अपने तक ही रखे और एक बात हमारी भी गौर से सुन ले कि चौधरी खानदान की ये लड़की नंदू खानदान की बहू बनकर रहेगी। गुड बाय, गेट आउट। साले दर्जी कहीं के चले आए चौधरियों से रिश्ता जोड़। नहीं, चुप करो। हमारा हक ये है कि हमने तुम्हें जन्म दिया, हमारा हक ये है कि हमने तुम्हारी परवरिश की, हमारा हक ये है कि हमने दुनिया की हर खुशी तुम्हारी झोली में डाली। और आपको उसका मुआवजा चाहिए? अरे आप क्या, दुनिया का हर बाप यही करता है, लेकिन आप पहले बाप हैं जो ये सब करके अपना हक जताते हैं। देखो बेटी, हम तुम्हारी खुशी के लिए उस दर्जी के लड़के को अपना दामाद हर किसी नहीं बना सकते। तो आप लोग भी मेरी बात सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उस दर्जी के बेटे से। गुड बाय। देखो आरती, अगर तुम इसी तरह उदास रही ना तो मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा। पर कल जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। छोड़ो कल की बात, फैमिली में ऐसा होता ही रहता है। पर बाबूजी,
क्या सोचते होंगे वो? कोई कुछ नहीं सोच रहा, सोच तो बस तुम रही हो। छोड़ो ये सोचना बोचना, वरना मैं। आपको और कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, इनके लिए एक प्लेट हंसी और एक प्लेट मुस्कान ले आओ। क्या कहा आपने? क्या कहा मैंने? ये हुई ना कुछ बात, ये ले। आती। अंकल, हमारे लाख बार मना करने के बावजूद फिर तुम इस फटीचर से मिलने आ गई। माय डियर अंकल इन लॉ, अपने होने वाले दामाद के बारे में जरा तमीज बात कीजिए। हमें तमीज सिखाता है? नादान लौंडे, शायद तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। दुनिया की कोई भी ताकत प्यार की ताकत के सामने हल्की होती है। हाथ पांव टूट गए तो प्यार व्यार सब भूल जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस वक्त सबके सामने मैं खानदान की इज्जत का तमाशा नहीं बनाना चाहता। चलो आती। भैया संभालो अपनी इस लाडली को, हमारे लाख मना करने के बावजूद फिर उस दर्जी के लड़के के साथ गुल खिला रही थी। दर्जी 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 का बेटा क्या हो गया? कोई भूचाल आ गया? हाँ भूचाल आ जाएगा उस हरामजादे की जिंदगी में, अगर आज के बाद तुम उससे मिली तो। खत्म कर देंगे उसको, नामो निशान मिटा देंगे उस शख्स का जो हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा। कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? इज्जत की बात चौधरी शक्ति दयाल के मुंह से अच्छी लगती है, स्मगलर शक्ति दयाल के मुंह से नहीं। खबरदार जो मेरी औलाद पर हाथ उठाया तो समझा दो अपनी इस औलाद को इस घर के कायदे और कानून। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। सबान चलाती। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है? जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं पूछती हूँ, देखिए मुझे लगता है आपकी आत्मा मर चुकी है। ममता और प्यार को आपने अपने पत्थर दिल के नीचे कुचल डाला है। क्या हक है आपको किसी के बनते हुए भाग्य को बिगाड़ने का? मैं उसका बाप हूँ, उसका अच्छा बुरा उससे ज्यादा अच्छा सोच सकता हूँ। जी नहीं, आप सिर्फ हमेशा अपना ही अच्छा सोचते हैं। आप अपने उस बदमाश दोस्त जॉन के यहाँ मेरी बेटी का रिश्ता पक्का करना चाहते हैं ताकि करोड़ों की जायदाद आपको मिल जाए। बकवास बंद कर। बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आजकल के जमाने में जवान बेटी पर ज्यादा सख्ती करना ठीक नहीं है। माँ बाप का फर्ज है कि अपनी बेटी की मर्जी के बारे में भी कुछ ख्याल करें। नहीं नहीं नहीं, इस घर में सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, सिर्फ मेरी। उसकी शादी वही होगी जहाँ मैं चाहता हूँ। जी नहीं, आरती की शादी उसकी अपनी मर्जी से होगी, आरती की शादी मेरी मर्जी से होगी। जबान चलाती है, जबान। अपनी हद में रहो, मुझे इतना मजबूर न करो कि मैं अपनी मान मर्यादा छोड़ दूं। और एक बात कान खोलकर सुनो, आपकी ज्यादती मुझ पर चल सकती है, मेरी बेटी पर नहीं। आरती, आरती, रो मत आरती, नहीं नहीं, मैं मर के बगैर नहीं रह सकती मम्मी, मैं मर जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी, सुन, तू क्यों रोती है? हाँ, मैं हूँ ना, मैं बैठी हूँ ना तेरे लिए, तू जैसा चाहती है ना, वैसा ही होगा। लेकिन आरती, एक बार फिर सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में किया हुआ फैसला जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाए। नहीं मम्मी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे पालूंगी तो जिंदगी की हर खुशी पालूंगी। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं आपके भरोसे की पूरी लाज रखूंगा, हमें आशीर्वाद दीजिए कि एक माँ अपनी बेटी को बिन बिहाए किसी गैर मर्द के साथ भगवा सकती है। तुम्हारी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब दूंगा। आप कुछ नहीं करेंगे, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार की मंजिल है शादी। शादी नहीं है, बर्बादी है, उस लड़के की और उसके पूरे खानदान की। Thank you.
हमें फॉलो कर रहे हैं। क्या होगा अमर? घबराओ मत। चले गए। ए, उधर देखो। पहुंचते तो आज पता नहीं क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? मैं शक्तिदयाल चौधरी की बेटी हूँ। शक्तिदयाल चौधरी की बेटी? हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, मगर इनके पिताजी को ये बात मंजूर नहीं, इसलिए मजबूरन हमको घर छोड़कर भागना पड़ा। तुम लोग सही जगह पर आ गए हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ, आओ ना। एक बात पूछूं, शक्तिदयाल चौधरी जी का नाम सुनकर आप लोग चौंक क्यों गए? बोलिए ना, आप मेरे पिताजी को जानते हैं? जाने ना जाने क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग सही जगह पर आए हो, किसी बात की चिंता मत करो, आराम से खाना खाओ। Thank you.
शर्म की बात है। आठ आठ हट्टे कट्टे आदमी गए थे उनको वापस लाने, एक अकेले आदमी से पिटकर खाली हाथ लौटाए। साहब वो आदमी फौलाद का बना हुआ लगता है। फौलाद का हो या लोहे का, हमारे सामने कुछ भी नहीं है। भूल के रख देंगे उस राम से। देखो कौन है वो कमीना जिसने मेरी बेटी को अपने घर में छुपाने की जुर्रत की है, कौन है वो? चुपचाप हमारी लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो भून के रख देंगे। औरतों की तरह घर में छुपकर क्या कर रहे हो? मर्द हो तो बाहर निकलो, निकल बा। कौन? सारा शहर मेरे डैडी और चाचा के नाम से कांपता है, लेकिन वो लोग तो आपको देख के ऐसे भागे कि हमारी तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आखिर आप है कौन? आपको देखकर न जाने हमारा दिल क्यों घबरा रहा है। अंकल कुछ तो बोलिए। ये कुछ नहीं बोलेंगे, जमाने की चोट ने इनको खामोश कर दिया है। आपकी बातें तो बिल्कुल हमारी समझ में नहीं आ रही। कौन है आप लोग? क्या रिश्ता है आपका हमारे खानदान से? हाँ, क्या रिश्ता है हमारा तुम्हारे खानदान से? प्लीज बताइए ना, आपको हमारी कसम है। कसम दिलाई दी है तो सुनो। दिल पे कयामत ठाए तुम्हारी चूड़ियां, रातों को तड़पाए तुम्हारी चूड़ियां। दिल पे कयामत ठाए तुम्हारी चूड़ियां, रातों को तड़पाए तुम्हारी चूड़ियां। जगाए तुम्हारी तुम्हारी चूड़ियां, आज दिल पे कयामत आया।
माया मत खाए तुम्हारी चूड़ियां, रातों को तड़पाए तुम्हारी तुम्हारी चूड़ियां। तुम्हारी चूड़ियां आज दिल पे कयामत कयामत दिल पे कयामत ठाए तुम्हारी चूड़ियां, रातों को तड़पाए तुम्हारी चूड़ियां। मटर मटर के नाचता हूँ, तू कौन होता है पूछने वाला? मैं कौन हूँ पूछने वाला? मेरे होने वाले ससुर से पूछ, इसके बाप से। मेरा आपसे पूछना है? मेरे आपसे पूछना है? शक्ल देखी है अपनी? शक्ल देखी है अपनी? जबान लगा दिया मेरे साथ तू? और क्या? अरे और क्या? अबे मुझे से डरता है? मैं क्या डरता हूँ साला? अरे तो मैं पार्वती छोड़ दे, मैं मारा को तो चोट लगेगी, खून आएगा, पुलिस केस होगा, क्यों झंझट है? छोड़ दे इसे, मैं चलता हूँ। अबे भागता कहाँ? इधर आ, इधर आ, इधर आके बात कर, यहाँ खड़ा होके बात कर, भागता कहाँ है? अबे मुझे, अबे अबे तुम रुक जा, रुक जा, मुझे, ए शंकर,
गया ये बदतमीज। मुसर सिंह जी, मुझे बुलाया तुमने किस लिए? चलो चले कहीं पर। आप ही नहीं, फिर कब? रात को मिलेंगे ना। रात को कितने बजे? 12 बजे। 12 बजे कहाँ मिलेंगे? शमशान घाट पर। शमशान घाट पर? हाँ। चलेगा चलेगा, मिलेंगे, लेकिन जरा पहले दिखाओ ना। हाँ, मुझे शर्म आती है। अरे इस उम्र में होता है ऐसे, लेकिन जरा दिखाओ ना। क्या दिखाना? शक्ल शक्ल दिखाना। हाँ शक्ल दिखा। दिखाओ दिखाओ ना। दिखाओ दिखा दिखा। देख सारे मुछड़। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, इधर से नहीं, इधर से क्या? साले को पकड़ लिया। अबे अब कहाँ जाएगा? पकड़ लिया। तुम्हारा क्या काम है? अरे वो शंकर के बच्चे को, अबे छोड़ साला, मेरे को मुझसे बोलता है वो। मुझे माफ कर दो, अब मुझे मुछड़ नहीं बोलता तुमको। पार्वती। अरे पार्वती, तू कहाँ से आ गई? वो मुछड़ पीछे पड़ा हुआ है। चल, अरे तुम मर्द हो या क्या हो? उस मुछड़ से इतना क्यों डरते हो? अरे तुमसे कुछ नहीं होता है तो बोलो, मैं उसे निपट लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आना। अरे कहाँ? अरे आ। अरे छोड़ना। आने दे उस साले मूछड़ को, अब सीधा करता हूँ। क्या कर रहे हो? अरे देखती जा तू, मजा आएगा। कहाँ गया ये? अरे शंकर रुक, उसे लेके कहाँ भाग रहा है? अरे भागता कौन है? अबे फिर हाथ पकड़ा तुमने? हाँ पकड़ा, माँ का दूध पिया तो आ गया, बकरी का दूध पिया तो पिछला। अच्छा अभी आता हूँ। हाँ इधर आके दिखा। हाँ कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? खेत में घास घुस गया था। खेत में सांड घुस गया था। क्या घुस गया था? सांड। हाँ बाबूजी, अगर मैं ना होती तो आपके खेत का पूरा घास खा जाता। तो पूरी घास आपने बचाई। आप क्या मेरे खेतों की आजकल रखवाली कर रही हैं? वो तो करनी ही पड़ेगी ना बाबूजी। क्यों करनी पड़ेगी? जी, वो आप कहाँ जा रहे हैं? वो घास। आप चलिए, बहुत घास फूस हो गया, घर चलो, मैं तुम्हारी घास निकालता हूँ। बिल्कुल नहीं, 100 बार कह चुका हूँ, एक बार और सुन लो। पढ़ाई के नाम पे बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ, अब बिल्कुल नहीं करने वाला। अरे शर्म करो, एक एक क्लास में 4-4 साल लगाते हो तुम लोग। मुझे इस साल और पढ़ने दीजिए, इस बार हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं अब तुम लोगों पे एक फूटी नहीं खर्च करने वाला। जाके खेतों में काम करो। हम खेतों में काम कैसे कर सकते हैं? तो कुएं में डूब के मर तो सकते हो ना, जाके मरो। पर बाबूजी, बाबूजी। अरे क्या बाबूजी बाबूजी, ये बुड्ढा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, अब क्या होगा? ये शराब के अड्डे वाला रामू दादा, ये जुए के अड्डे वाला गंगू दादा, ये सब दादा यहीं घुस जाएंगे और कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी घुस के मारेंगे। तू क्या सोच रहा है गधों की तरह? अरे कोई रास्ता निकालना। चुप बैठना था, सोचने दे मुझे। रास्ता ही सोच रहा हूँ। क्या है रास्ता? दद्दू दद्दू आजा। दद्दू क्या बात है? दद्दू हम भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए जाएंगे। क्या बात कर रहे हो, खेतों में काम और तुम? हाँ पागल हो गए क्या? अरे खेतों में काम करने के लिए तो मैं हूं मैं, तुम लोगों को तो शहर जाके पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है, क्या कहते हैं उसे, कलेक्टर बनना है, कलेक्टर। दादू आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। क्यों 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 क्यों? वो बाबूजी ने साफ कह दिया है कि वो हमारी पढ़ाई पर एक फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं करने वाले। अरे बाबूजी के कहने से क्या होगा, जितना खर्चा होगा वो मैं दूंगा। बोलो कितना रुपया चाहिए? नहीं नहीं भैया जाने दीजिए,
आप इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता दादू। अब हम आपको और तकलीफ नहीं दे सकते दादू। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तुम पर। अरे जब तुम पढ़कर आओगे ना, तब ये शंकर का सीना दो गज चौड़ा हो जाएगा। तुम पढ़ोगे, जरूर पढ़ोगे। कितने रुपए चाहिए दादू? यही कुछ 50,000 रुपया। सिर्फ 50,000 रुपया? 50,000? ठीक है, मिल जाएगा। मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। भाई हो तो ऐसा जो दे हमें पैसा। लाओ भाई, और ये लो शंकर, पूरे 50,000 गिन लो। शंकर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, पूछिए भाई। इस साल तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है और माल भी बहुत ऊंचे दामों बिका है, फिर क्या वजह है जो 50,000 रुपया लिए जा रहे हो? सेठ जी, मैं अपने भाइयों को पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ। वाह वाह शंकर, भाई तो इस गांव में बहुत हैं, लेकिन जो तुम अपने भाइयों के लिए कर रहे हो ना, वो तो कोई भी नहीं। वो मेरे भाई नहीं है, मेरे दो हाथ है, एक दाया एक भाया। अच्छा मैं चलता हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। अरे टाइम हो गया, अभी तक दद्दू आया नहीं। ये गाँव का बड़ा भाई है, तुम्हारी तरह शहर वाला नहीं, वादा किया तो जरूर आएगा। ए छोटो, ये लो पूरा 50,000 रुपया। पूरा 50,000? दद्दू आपने गिन लिया ना? अच्छी तरह मन लगा के पढ़ना, पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना। जितना पैसा चाहिए मैं भेजूंगा। दद्दू मैं किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं दद्दू? अरे शुक्रिया क्या, बाबूजी का नाम रोशन करो बस। हाँ बस आ गई, बस आ गई। रोको भाई, चल चल चल। अच्छा दद्दू प्रणाम। पाय लगा दद्दू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो डॉक्टर साहब। अच्छा दादू, अच्छा पढ़ना। हाँ, हाँ, दादू चिंता मत करना, वक्त पे खाना खाना। हाँ हाँ दादू, तबीयत का ख्याल रखना दादू। हाँ हाँ दादू, हर हफ्ते चिट्ठी लिखते रहो, पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, ये दादू है। ए, इतने सारे पैसे देकर अपने भाइयों को कहाँ भेजा है? ए, मेरे भाई शहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, देखना एक दिन वो डॉक्टर कलेक्टर कंडक्टर बनकर आएंगे। कलेक्टर कंडक्टर टक्टर? हाँ। अरे 10 किताब पढ़ने में तो 20 साल लगा दिए, कलेक्टर क्या खाक बनेंगे? ए खबरदार, मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोले तो खींच कर मारूंगा मैं। खींच कर मारूंगी। हाँ देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। हाँ। एक तो समझाने से समझते हैं और दूसरे ठोकर खाने के बाद समझते हैं। तुम एक दिन ठोकर खाओगे ना तो अपने आप समझ जाओगे। अच्छा। हाँ। ए जाजा, बड़ी आई समझाने वाली। ए जाजा, तू जाना फिर मैं जाऊंगा। अरे तेरे बगैर मैं कहाँ जाऊंगी? कोई देख लेगा। देख ले देना। देना। जय राम जी की चौधरी साहब। जय राम जी की। जमुनालाल जी कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। और कारोबार कैसे चल रहा है? बस ठीक ही है। क्या ठीक है, आप तो हमेशा रोते रहते हैं, पेट ही नहीं भरता आपका। साहूकारी का धंधा करते करते आधा गांव तो अपने नाम लिखवा लिया, क्या आप पूरा गांव लिखवाना है? अरे चौधरी साहब, भले पूरा गांव मेरे नाम हो जाए पर आपसे दूर थोड़ी रह सकते हैं। अब देखिए ना, कल ही आपका बेटा शंकर मेरे पास आया था, पूरे 50,000 रुपए मांगे और मैंने फौरन निकाल कर दे दिए। मेरा बेटा? हाँ, क्यों आपको पता नहीं? हाँ, वो 50,000 रुपए। हाँ पता है, मेरे दिमाग से उतर गया था, मुझे पता है उसके बारे में, मुझे पता है। जयराम जी की। जयराम जी की। जयराम जी की। नालायक, बेशरम, बेगैरत, बेहया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ गया? क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? क्यों गया था तू सेठ जमनालाल के पास कर्जा मांगने के लिए? अरे बोल ना, बोल बोल मुखल। अरे बोल, क्यों की ऐसी गलती? बाबूजी, मेरे भाई पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, बड़े अफसर बने, अगर ऐसा सोचना गलत है तो एक गलती की है मैंने। आपके बेटे जिंदगी में खूब आगे बढ़े, खूब नाम कमाए, अगर ऐसे सोचना गलत है तो ये गलती मैंने की है।
तू उनका भाई है तो मैं उनका बाप हूँ। बाप मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, उनसे कुछ नहीं होगा रे। वो दोनों बांस हैं ऐसे बांस जिनमें न फल लगेगा न फूल लगेगा, चाहे तो अपने कलेजे का खून निकाल के उनकी जड़ों में छिड़क दे। बाबूजी मैं नहीं, नहीं आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा, और शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। जा जो कुछ करना है कर, जा जा। बहनों और भाइयों, आज ये सुपरफाइन सीमेंट्स मीरता की तरफ से जो कबड्डी का मुकाबला होने जा रहा है, उस मुकाबले में जो भी पार्टी जीतेगी उसे ये कप इनाम में दिया जाएगा। कबड्डी के इस मुकाबले में गब्बर सिंह और उनकी पार्टी एक तरफ है और दूसरी तरफ है शंकर दयाल चौधरी और उनकी पार्टी। देख लेता हूँ। इधर नहीं, इधर आके दिखा। याद रखना, मुझको संभाल के रखना मोटू। झगड़ा नहीं। चित या पाट? चित। हम जीत गए, हम पहले आएंगे। जय बजरंग बली दुश्मन की नली। कबड्डी 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 अबे एक जगह खड़े रहो, भागते हो डरपोक। ए मुछा कौन डरपोक, अब देख हमारा पहलवान आता है। ए टकलू जा तू। दादा मैं सबसे आखिर में जाता हूँ। ए कालो तू जा रहा है? मैं दादा अभी जाता हूँ, सबको खींच लाता हूँ। दादा मैं इसके बाद जाता हूँ। जय भोलेनाथ। कबड्डी 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 कबड्डी
जो भी हो बाबा जी, हमें फौरन जाके उसे छुड़ाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, साढ़े दो उसको जेल में भुगतने तो अपने किए की सजा, तभी जाकर उसका दिमाग ठिकाने पर आएगा। नहीं नहीं बाबू जी, अगर वो जेल चला गया तो लोग यही कहेंगे ना कि गंगा प्रसाद का बेटा जेल में है। अरे कह लेने दो, जो कल कहने वाले वो आज कह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बाबू जी मेरी बात सुनिए, आप चलिए। मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा। बाबू जी चल रहे छोटो। अच्छा बहुत अच्छा, शहर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, अफसर बनूंगा, अपने खानदान का नाम ऊंचा करूंगा। ये क्या तूने अपने खानदान का नाम ऊंचा? दादू मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, महापाप हो गया तुझसे। अरे हम गांव वाले दूसरों की बहू बेटियों की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, और तूने एक निर्दोष लड़की की आबरू लूट ली। दादू इससे महापाप तो हो गया है, लेकिन अगर इसे नहीं बचाया गया तो खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस लड़की ने अगर इसके खिलाफ अदालत में बयान दे दिया तो कम से कम 7 साल की सजा हो जाएगी। 7 साल की सजा? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तू उस लड़की का पता जानता है? हाँ दादू, और उसका बाप बहुत बड़ा आदमी है। ओ ठीक है, मुझे ले चलो उधर। दादू इस तरह, दादू ये लड़की के पिताजी हैं। हाँ दादू आप जमींदार हैं, बड़े आदमी हैं आप। हम हैं शंकर दयाल चौधरी, मेरठा के सबसे बड़े जमींदार। हमारे पास 200 एकड़ जमीन है, 2 ट्यूबवेल है, 4 ट्रैक्टर है। इतनी सारी जमीन, ट्यूबवेल, ट्रैक्टर किसी बड़े जमींदार के पास ही होंगे ना। यानी कि हम मेरठा के सबसे बड़े जमींदार है। यह है हमारा छोटा भाई प्रेम दयाल चौधरी, हम प्यार से इसे छोटू छोटू कहते हैं। और एक भाई है हमारा शक्ति दयाल चौधरी। तो तुम शक्ति के भाई हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? Now you get up and get out. मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं तो दादू। तो फिर खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना पुलिस से फोन करके तुम लोगों को भी हवालात में बंद करवा दूंगा। आपके जो जी में आए बोल लीजिए, आपको पूरा हक है, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। तुम जानते हो तुम्हारे भाई ने क्या हरकत की है? मैं जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, और शर्मिंदा भी हूँ। जो नहीं होना चाहिए वो हो गया। अब इसका एक ही इलाज है, उन दोनों की शादी कर दीजिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए? मैं उस हैवान को सजा दिला कर ही रहूंगी। चले जाइए आप लोग यहाँ से। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल वाजिब है। मेरा भाई गुनहगार है, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, वो तुम दिलवाई दोगी। लेकिन बहन, औरत की इज्जत ही उसका गहना है, वो एक बार चली गई तो वापस नहीं आती, चाहे वो अमीर की बेटी हो या गरीब की। जो हादसा तुम्हारे साथ हुआ है वो क्या तुम भुला पाओगे? नहीं, जिंदगी का हर दिन हर पल काटेगा तुम्हें। मैं अकल में इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन उम्र में जरूर तुमसे बड़ा हूं। मेरी सलाह मानो, मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे खानदान को माफ कर दो। मैं अपने खानदान की इज्जत की भीख मांगता हूं। बेटे साहब, आदमी तो आखिर आदमी होता है, उसे गलती हो जाती है, उसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए। इसे हम सुधारेंगे। 7 साल जेल की चक्की पीसने के बाद जब ये बाहर आएगा तब इसे हर लड़की बहू बेटियां बहन नजर आएगी। अब तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर साहब जरा मेहरबान कीजिए, आप शक्ति को छोड़ दीजिए। क्या आप ही ने तो आकर से खिलाफ कंप्लेन लिखवाई थी? हाँ, लेकिन वो कंप्लेन मैं वापस ले रही हूँ। मगर वजह क्या है? कहीं से कोई दबाव पड़ रहा है या कोई मजबूरी है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि ये दोनों शादी करने जा रहे हैं।
स्वागत भाभी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुभम भवा शुभम भवा। आओ आओ भाभी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, पहले बाबूजी के फेर छुओ। हाँ बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। बुरा मत मानना, बाबूजी का स्वभाव ही ऐसा है, जब वो बहुत खुश हो जाते हैं ना ऐसे हो जाते हैं। एक मिनट एक मिनट। बाबूजी ये क्या कर रहे हो, घर में लक्ष्मी आई है और आप मुंह फेरे खड़े हैं। बाबूजी ये सब आपके पुण्यों का फल है कि लड़की शादी के लिए राजी हो गई, वरना आपका बेटा शक्ति जेल में होता और आपकी इज्जत। चलिए बाबूजी बाबूजी आशीर्वाद दीजिए। चलिए बस 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 सुखी रहो, सदा सौभाग्यवती रहो। नहीं नहीं बस वो पेट भर गया, बस हाथ धुला दे। अच्छा बेटी सुखी रहे। बाबूजी आज बहुत मूड में, तो एक काम कर आज बात कर ही ले। नहीं यार ये बुड्ढा बहुत खड़ूस है, इसके माथे नहीं लगना मुझे। अरे एक ना एक दिन तो बात करनी है ना, हिम्मत कर तू आज ही कर ले। अब मैं हूं ना तेरे साथ। मैं जाऊं? मेरी प्लानिंग कभी आज तक फेल हुई है, जैसा समझाया कर। हाँ बोलो बोलो। आप तो जानते हैं कि सुजाता बड़े घर की है, उसका ऐसे घर में काम करना खाना पकाना अच्छी बात नहीं है। अब वैसे भी उसके गांव में दम घुट रहा है, मैं सोच रहा था कि उसे शहर ले जाऊंगा, वहीं को बिजनेस कर लूंगा। दम मेरी बहू का गांव में नहीं घुट रहा है, तुम्हारा घुट रहा है। और यही बिजनेस की बात, वो तुम क्या करोगे? मैं जानता था बाबूजी आप यही कहने वाले, लेकिन आप मेरा फैसला भी सुन लीजिए। मैं जरूर जाऊंगा शहर बिजनेस करने के लिए। तुम्हारे जो जी में ऐसे करो मेरा दिमाग मत चाटो। मुझे बिजनेस के लिए 4-5 लाख रुपया चाहिए। एक रुपया नहीं है मेरे पास। तो खेत बेच दीजिए। अच्छा खेत बेच दूं? खेत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, वो शंकर ने अपनी मेहनत से कमाए। तो फिर ये घर बेच दीजिए। खबरदार जो कभी घर बेचने की बात की तो। जानता हूं बाबूजी, सब जानता हूं। आपको एक घर प्यारा है, अपने खेत प्यारे हैं, वो जाहिल शंकर प्यारा है। शंकर के बारे में एक शब्द भी कहा तो जबान खींच लूंगा तेरी। अरे तू क्या जाने शंकर क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि शंकर क्या है। सारी जायदाद हड़पने के लिए उसने जादू कर रखा है आप पर। अगर तूने शंकर का नाम लिया तो जान से मार डालूंगा। गली से बड़ा है शंकर वाला। शंकर शंकर शंकर, जब देखो आप शंकर के बारे में बोलते रहते हैं। ये क्या कर रहे हैं बाबूजी, बोले दीजिए क्या फर्क पड़ता है, आखिर भाई तो है। बहुत हो गया भाई का ये नाटक। मैं यहाँ से 6 लाख रुपए लेकर ही जाऊंगा बाबूजी। अगर आप राज्य से नहीं देंगे ना तो मैं अदालत में जाऊंगा। तू अदालत मेरे खिलाफ? तू मुझे पैसा ना मिला ना मैं क्या करते हो? देखते नहीं हो बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है? चुप। अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। तू भी मत बोल बिल्कुल। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मुझे पैसा चाहिए। मैं किसी का कुछ नहीं सुनने वाला। क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है तू? अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, नाटक करा वो। आहिस्ता आहिस्ता मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। आहिस्ता बोल। दादू भैया ठीक ही तो कह रहे हैं, सिर्फ 6 लाख रुपया मांग रहे हैं, वो भी बिजनेस करने के लिए। आप बाबूजी को समझाइए ना, क्यों जिद कर रहे हैं? ठीक ठीक है, तुझे पैसे चाहिए ना? हाँ वो मैं दूंगा, तो सिर्फ बाबूजी से इतना कह दे मुझसे गलती होगी मुझे माफ कर दीजिए। चल कह दो भैया, कह दो मैं जो कह रहा हूँ। आओ आप आओ। बाबूजी सब ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। बाबूजी देखिए शक्ति आया है, इसे अपने किए पर पछतावा है। हाँ बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। सर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे मानते ही आप 6 लाख रुपए निकाल के दे देंगे। अरे भाई शंकर मैं तुम्हें कोई मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ, तुम्हारी 200 एकड़ जमीन और घर गिरवी रख के दे रहा हूँ। लेकिन एक बात है, जितनी जल्दी हो सके ये कर्जा लौटा देना। सेठ जी मैं तो सिर्फ कर्जा लेने आया हूँ, देने मेरे भाई आएंगे। वो इन पैसों से शहर में बहुत बड़ा व्यापार करने वाले हैं, लाखों रुपया कमाने वाले हैं। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम। Thank you.
आपका बेंत उठाइए और जब तक आपका हाथ ना थक जाए मुझे मारिए। किस बात के लिए? आपको बताए बिना मैंने सेठ जी से 6 लाख रुपया कर देकर शक्ति को दे दिया। मारिए बाबू जी, मारिए। क्या मालूम, जिस इंसान ने अपने हाथों अपनी तकदीर के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली हो ऐसे इंसान को क्या मालूम। अरे तूने बरसों की दिन रात की मेहनत की कमाई को एक झटके में ले जाकर उन नालायकों के दामन में डाल दी। वो नालायक नहीं है बाबूजी, वो शहर जाएंगे, धंधा करेंगे, लाखों रुपए कमाएंगे, आपका नाम ऊंचा करेंगे बाबूजी। अरे जिन जलीलों को अपने नाम की परवाह नहीं वो अपने बाप का नाम क्या खाक ऊंचा करेंगे। अरे देखना एक दिन वो तुझे भी दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर देंगे। अरे पगले, कभी सोचा है तूने? कल तेरा भी घर बसेगा, तेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, उनको क्या देगा? अरे क्या बचा है तेरे पास? मेरे पास मेरे बाबूजी है, आप है मेरे पास, आपका आशीर्वाद है मेरे पास। बाबूजी, बाबूजी बचे हैं तेरे पास? बाबूजी को इतना चाहता है तू? अरे पगले, तू अपने अपने बाबूजी को इतना चाहता है तू? नहीं है क्या? मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मुझे बचा लीजिए। बैठो, बैठ जा। बड़ी मेहरबानी। चल। डैम इट, कहाँ चला गया? फॉलो मी। तुम दोनों ने हमारे भाई की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या काम करते हो? सर, काम की तलाश में है। आप ही की तरह को बिजनेस करना चाहते हैं, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट ओवरनाइट। बहुत स्मार्ट लगते हो। कीप इट अप। थैंक यू सर। थैंक यू। बड़े भैया, इन दोनों भाइयों को अपने साथ काम में रख लेना चाहिए। अरे भाई, तुम तो अपने धंधे को अच्छी तरह से जानते हो, 50 किस्म के राज होते हैं जी। इस तरह से इतनी जल्दी हरे हरे गहरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। पर भैया, दोनों भाई भरोसे मन लगते हैं। ठीक है अगर तुम ये कहते हो, लेकिन तब भी इन दोनों को अच्छी तरह से ठोक बजा लो, परख लो। अगर सही लगे तो अपने धंधे के कायदे कानून इन्हें समझा देना, समझे? तू यहाँ क्यों आई? अरे एक ना एक दिन तो आना ही था, इसीलिए मैं आ गई और बैठ गए। वाह 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 वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। चलो उठ, भाग इधर से। अजीब आदमी हो, घर आई मेहमान की इस तरह बेइज्जती करते हो। वैसे भी होने वाली बहू पहली बार घर आई है तो मुंह मीठा कराओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ आरती वारती उतारो। जाओ जाओ। आरती वारती उतारो, अगर बाबूजी ने देख लिया तो मेरी आरती उतर जाएगी। चल चल भाग इधर से। पहले ये बताओ, मुझे 3 दिन से क्यों नहीं मिले? देख, मैं बाद में आ जाऊंगा, तू जो कुछ बोलेगी वो मैं करूंगा। तेरा हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, जहाँ बाबूजी ने देखे तो गड़बड़ हो जाएगी। बाबूजी बाबूजी बाबूजी, बाबूजी से क्या इतना डरते हो? हा? मैं खुद बाबूजी से मिलने आई हूँ और बाबूजी से इतना ही पूछूंगी। क्या बाबूजी पैदा किया? क्या 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 पैदा किया? क्या 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 बोले? लल्लू जैसे बेटे को पैदा किया। मैं लल्लू? मैं लल्लू? मैं नहीं, तुम बहुत अच्छे हो। बैठो। अरे जीती रे बेटी, तू कब आई? बाबूजी, मैं आप ही से मिलने आई थी। अच्छा अच्छा, तू मुझसे मिलने आई थी? और ये कहने आई थी कि बाबा आपको बहुत याद कर रहे थे, कह रहे थे बहुत दिन से आप मिले ही नहीं। बहुत दिन से?
तो कल जो मुझे मिले थे वो तेरे बाबूजी नहीं होंगे, इनका कोई हमशक्ल होगा शायद। हाँ कल मिले थे? नहीं नहीं, बाबा ही थे। उनका मतलब है, नहीं मेरा मतलब है कि आप कहीं दिनों से हमारे घर नहीं आए। अच्छा अच्छा, तू यूँ बोलना तो तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर आऊँ? तू ये चाहती है कि मैं तेरे घर में आके तेरे बाबूजी से अपने इस लल्लू बेटे की शादी के बारे में बात करूँ? नहीं नहीं, लल्लू नहीं बाबूजी, ये बहुत अच्छे हैं। अच्छा है? तुझे पसंद है? अरे सुन तो लल्लू। बाबूजी। अब तू पुतले की तरह यहीं खड़ा रहेगा या उसके पीछे जाएगा? मैं जाऊं? मैं सर, आप हमारे काम से खुश हैं ना? सर हम बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सर आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। अरे हम जानते हैं भाई, जानते हैं, इसलिए हमने सुलेमान से कहकर तुम्हारी लिमिट 20 लाख से 40 लाख तक की करवा दी है। अब तुम 40 लाख का सोना ला ले जा सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। की बेटा। की बेटा। क्या डली? पिकॉ डली स्ट्रीट 44। गुड शक्ति, बैग दे दे से। पुलिस पुलिस, अरे वो बैग किधर? चल चल जल्दी जल्दी। स्टॉप इट। भाग गए थी ना? सर वो सब गड़बड़ हो गई सर। सर सर वो हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। मिस्टर जॉन का फोन आ गया था हमें। सर हमने बहुत कोशिश की सर, लेकिन सर हम माल को बचा नहीं सके सर। सर माल की हमें फिक्र नहीं है, समझो कि माल घर में ही है। लेकिन वो कौन सा ऑफिसर है जिसने डाबला भाई के माल पर हाथ डालने की जरूरत की? सर उस ऑफिसर को मैंने आपके यहाँ देखा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ठीक से पहचान नहीं सका सर। हाँ सर, हाँ सर, पहचान हम निकाल लेंगे, जरूर निकाल लेंगे। हैं? सोने की जगह पत्थर? मतलब उन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया है। कॉल गोल्ड, 100% प्योर गोल्ड। साला डाबला भाई अपने आप को बहुत समझदार और चालाक समझता था, साला बेवकूफ। सोना देखा, इस खोपड़ी का कमाल, इसको कहते हैं दिमाग। रातों रात लखपति, वहाँ पुलिस सोने को ढूंढ रही है और डाबला साला पुलिस को। मास्टर दीनानाथ जी घर पे हैं? आइए आइए। अरे आइए। नमस्ते। आज का दिन तो बड़ा शुभ है कि आप हमारे घर आए। आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता मैं हाजिर हो जाता। हाँ वैसे उसूलन तो आप ही को आना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा कि गरज अपनी है तो मैं ही चले चलता हूँ। आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे, आप आज्ञा दीजिए। मासी जी, मैं आपको याद दिलाने आया था कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उनकी शादी कर देनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी, मैं जानता हूं हमारे बच्चे बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं। मैंने खुद भी कई बार चाहा कि अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहां ले जाऊं, मगर सच्ची बात तो यह है कि आप जैसे बड़े आदमी के यहां रिश्ता ले जाने में मन बड़ा झिझकता था। बड़ा आदमी और मैं? क्या मास्टर जी, जिस इंसान के सामने सारा गांव सर झुकाता हो उसे बड़ा इंसान कौन हो सकता है। अच्छा खैर, ये छोटे बड़े का चक्कर छोड़िए और जितनी जल्दी हो सके शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाइए। लगन का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस 2 मिनट और रुक जाए पंडित जी, मेरी शादी हो और मेरे भाई ना आए ऐसे कैसे हो सकता है। वो जरूर आएंगे। अरे क्या खाक आएंगे वो लोग, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ। पंडित जी आप शुरू कीजिए। थोड़ा इंतजार कर लें, शायद वो आ जाएं। मैं उनका बाप हूँ, उनके रग रग से वाकिफ हूँ, वो जान बूझ के नहीं आएंगे। पंडित जी चुप घड़ी नबी जी आप शुरू कीजिए, मैं कह रहा ना शुरू कीजिए। मैंने कहा था ना
वो जरूर आएंगे। भाई किसके हैं? मेरे स्वस्ति ने बृहस्पति दधातु ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिति प्रांतकारी भानु शशि भूमि गुरु के शुक्र बाबू जी वो कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझता हूँ। शिवे सर्वा साध के शरणे त्रिंबके गौरी नारायण नमो। शक्ति वो छोटू पीछे आ रही क्या? नहीं भैया, उन दोनों को कुछ जरूरी काम से रुकना पड़ा तो। ये भी तो जरूरी काम है, मेरी शादी हो रही है और उनको आने की फुर्सत नहीं है, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? एक। चल चल पांच सौ ब्लाइंड हजार ब्लाइंड और ये शो ले बच्चे देख। ए मिठाई बांटो, बाजो बजाओ, नाचो गाओ, अपने छोटों की सगाई हो रही है। पार्वती पार्वती देख, देख चल चल चिट्ठी आई है, अपने छोटों की सगाई हो रही है। अच्छा। आ, देख देख देख। अरे क्या शोर मचा रहे हो, क्यों सारा घर सर पे उठा रखा है? बाबू जी कल शहर में छोटों की सगाई है, हम सबको बुलाया है, आप जल्दी तैयार हो जाइए, कल सगाई है, आज निकलेंगे तो कल पहुंचेंगे। हम नहीं जाएंगे सगाई में। अरे बाबू जी आप नहीं जाएंगे तो सगाई कैसे होगी? ये कोई सगाई का तरीका है? न हमसे पूछा न सलाह ली और मंगनी का दिल तय कर लिया, हम नहीं जाएंगे सगाई में। बाबू जी अरे पार्वती पार्वती तू जरा समझाना, जा जा समझाना। बाबू जी बहू तू जाके उसे कह दे हम इस मंगनी में नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं और पार्वती चले जाते हैं। चल पार्वती। नहीं बाबू जी को अकेले छोड़कर मैं कैसे जा सकती, अगर मैं चली गई तो इनकी देखभाल कौन करेंगे? अच्छा तुमको भी नहीं जाना है, ठीक है ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूं और ऐसा स्टाइल से बंठन के जाऊंगा कि सारा शहर देखता रह जाएगा। हा मुझे तो उसी दिन इस बात का शक हो गया था जब उन्होंने आकर बताया था कि पुलिस ने हमारा माल पकड़ लिया है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि हमारा गोल्ड चला गया, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि डाबला भाई की नजर ने पहली बार धोखा खाया है। फिक्र मत करो बड़े भैया, अरे जोगी तुम। हाँ पप्पू मैं, तू क्या समझता है मेरे भाई को धोखा देके उसका माल हड़प करके तू चैन से रह सकता है? अरे जोगी बात तो सुन, क्या तेरी बात सुनिए आप जोगी, मदारी का खेल हो रहा है क्या? हमको भी जरा देखते दो भाई। अरे भाई ये लोग मारा मारी क्यों कर रहे हैं, होते क्यों हो भाई? ए, ये तो छोटू है मेरा भाई है यार। ए, छोटू छोटू से मारा मत, छोटू से। अरे 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 सुनो सुनो मेरी बात सुनो। अरे अरे साहब एक बच्चे की जान को मार रहे हैं, शेर में ऐसा होता है क्या? रोको उनको, रोको ना। अरे छोटू कौन है ये लोग? गुंडे लोग। गुंडे लोग देखने में तो शरीफ लग रहे हैं, शहर में ऐसे होते हैं। अच्छा इनकी माँ क्या आप देख तमाशा। साला ये ले मुंबई से मारो।
एक मिनट लगी है साला मेरे भाई पर हाथ उठा रहा है ये ले मेरता की मार ये ले कलकत्ते की मार जाओ भाई जाओ 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 कमाल हो तुम शेर वाले ये कोई चार आदमी मारते हैं और तुम लोग देखते रहते हो आ गए तमाशा देखने अरे खून 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 छोटू इनसे तुम्हारी क्या दुश्मनी थी दादू वो व्यापार की दुश्मनी अच्छा दादू आप आ गए पर आज मैं तो मर ही जाता अरे मारे तेरे दुश्मन लेकिन छोटू तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया था ना नहीं व्यापार में सच्चाई और ईमानदारी से बरतते हो ना हाँ दादू मैं व्यापार में एकदम सच्चाई और ईमानदारी बरतता हूँ आप घर चलो दादू चलो अरे मेरी पोटली 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 आओ दादू आ जाओ अरे 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 दादू कहाँ जा रहे हो ए छोटू गलत जगह गए हम लोग घर का मालिक आके तो जूते पड़ेंगे चल क्यों जूते पड़ेंगे दादू ये मेरा घर है तेरा घर शहर में दादू को उल्लू बना रहा है चल चल दादू मैं उल्लू नहीं बना रहा हूँ आपकी कसम ये मेरा घर है शक्ति भैया का घर है सब है घर में भाभी शक्ति भैया चलो मैं आपको मिलाता हूँ सबसे आओ ना दादू बाप रे बाप ये घर है कि महल छोटू ये तेरा ही घर है ना हाँ दादू ये मेरा घर है आपका घर है शक्ति भैया का घर है हम सबका कोट टाई हैट देख स्टाइल है ना अरे दादू अपना भी स्टाइल है ना ये देखो स्टाइल वो देखो स्टाइल ये देखो स्टाइल 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 दादू बहुत बढ़िया व्यक्ति हाँ जी एक बात पूछो आप पूछिए ये तेरा ही घर है ना हाँ दादू कितना किराया देता है किराया नहीं दादू खुद का मकान है पूरे 40 लाख रुपया खर्चा करके खरीदा दादू अरे छोड़ो ना दद्दू आओ बैठो आओ बैठो चालीस लाख आओ बैठो बैठो ना दद्दू बैठो ये तेरा ही घर है दादू कितनी बार पूछेंगे नहीं ये हमारा ही घर है एक बात पूछो तो बुरा नहीं मानोगे ना आप पूछो तुम लोग कोई उल्टा सुल्टा काम तो नहीं कर रहे हो ना नहीं दादू अरे दद्दू शहर में सारे धंधे सीधे ही होते हैं हाँ शहर में सारे धंधे सीधे होते हैं अरे मेरे शेर मैं बाबूजी को बोलता था कि तुम कितना नाम करोगे अगर बाबूजी आते सब देखते तो कितना खुश होते हैं शक्ति एक बात पूछो हाँ बोलो गांव में जो कर्जा लिया था वो कौन सा कर्जा अरे वो कर्जा ना जो आपने हमारा कारोबार शुरू करने के लिए लिया था 6 लाख रुपया तो जब आप कहो वापस कर देते उसमें चिंता की कोई बात नहीं नमस्ते बड़े भैया अरे कैसी हो बहू जी आ गए सुखी रहो अरे रे 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 इधर आ इधर आ इधर आ क्या नाम है इसका आरती बड़ा प्यारा नाम तुम फिक्र मत करना इसकी शादी पर 50 एकड़ जमीन दूंगा मैं पर भैया भाभी कहाँ है अरे वो गांव की गवाह लड़की है शहरों से डरती है और फिर इतना बड़ा मकान देखा तो बेहोशी हो जाती है अरे पर आज खुशी के मौके पर आते तो कितना अच्छा होता मैं आ गया ना अच्छा ठीक है आप सफर से थक गए होंगे अंदर चले नहा धोके खाना खा लीजिए चलो 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 एक बात पूछूं ये तुम्हारा ही घर है ना हाँ लेकिन ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं नहीं वैसे ही पूछा ये दद्दू क्या 6 लाख की बात कर रहा था और तू क्या बोल रहा था कि दे देंगे अरे रिलैक्स यार किसने देना है किसने लेना है आया है सगाई का खाना खा के चला जाएगा भाई साहब आप इसे पहन लीजिए ये क्या है कोट पैंट और शर्ट पहन लीजिए ना बाबा ना ये सब मेरे बस की बात नहीं है ये मैं नहीं पहनूंगा मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ फिर भी आप इसे पहन लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी तुम्हारी खुशी के लिए अरे तुम भी क्या याद करोगी बहू Congratulations. Thank you. अरे शंकर लाल जी हाँ भाई सगाई मुबारक हो क्या जोड़ी है आखिर आ गए ना हमारे लाइन में वाह 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 वो तो आना ही पड़ा नमस्कार कहाँ फंस गया यार
जय राम जी की। हाँ जरूर। जय राम जी की। जय राम जी की। नमस्ते जी। जय राम जी की। नमस्ते। कोट, बूट, बूट, टाई, टाई। जय राम जी की बहन। अरे भगवान, कभी तो कंठन के आया कर, हमारी इज्जत को सवाल है। जय राम जी की। आप ठीक ठाक है? धंधा पानी जोरदार है? अरे यार चल यार, पहले ही बहुत टेंशन है, तू कहाँ से आ गया? ए, मैं शंकर दयाल चौधरी, शक्ति दयाल चौधरी का बड़ा भाई। देखो टाई, देखो कोट। अरे यार चल यार, पहले ही बहुत टेंशन है यार। चल चल यार, मेरे मालिक चल, इसने बहुत टेंशन दिया रखा है मेरे को, जा तू। Cheers. How are you? Fine. Long time. So good. Yeah. Good. 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 बोलो। ओ, ये यहाँ सारे लोग टेंशन 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 बोल रहे हैं। टेंशन का मतलब क्या होता है? वो जाने दीजिए ना भाई साहब, आप क्यों उसमें पढ़ते हो, आपको नहीं समझ में आएगा। बताओ कहाँ मिलता है वो? वो टेंशन आपके गांव में नहीं मिलता, हमारे शहरों में ही मिलता है। अच्छा, बहुत महंगा है क्या वो? उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है चिंता परेशानी। अच्छा, चिंता परेशानी, यानी ये सारे लोग चिंता परेशानी में है। एक तो फोकट में खाना खाने के लिए आ रहे हैं, साथ में चिंता परेशानी भी लेके आए हैं। अच्छा, इन लोगों को क्या चिंता, क्या परेशानी? भाई इनको परेशानी है इनकम टैक्स की, मोहब्बत की, दुनियादारी की, पैसे की। यहाँ तो बस चारों तरफ टेंशन टेंशन टेंशन। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम टेंशन में मत आओ। अब देखना, मैं सारे लोगों का टेंशन दूर कर देता हूँ। वो कैसे? तुम देखो तो सही। अच्छा। किसी को मोहब्बत की टेंशन, किसी को है दौलत की टेंशन, घर में मियां बीवी की टेंशन, बाहर दुनियादारी की टेंशन, समझे? टेंशन। अरे बजाओ यार। किसी को मोहब्बत की टेंशन, किसी को है दौलत की टेंशन, घर में मियां बीबी की टेंशन, बाहर दुनियादारी की टेंशन, किसी को मोहब्बत की, किसी को घर दौलत की, घर में मियां बीबी की, बाहर दुनियादारी की टेंशन टेंशन टेंशन, किसी को मोहब्बत की टेंशन, किसी को है दौलत की टेंशन, घर में मियां बीबी की टेंशन, बाहर दुनियादारी की टेंशन। किसी
घर में मियां बीबी की टेंशन, बाहर दुनियादारी की टेंशन। मर गया साला गुंडा। बिहुल क्या किया तुमने? अरे ये तो मर गया, तुमने इसका खून कर दिया। नहीं 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 दद्दू दद्दू, ये आदमी उन्हीं गुंडों में से एक है जिसने कल छोटू पे हमला किया था। दद्दू इनसे हमारी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी, हमारी वजह से इनका लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था, इसलिए ये हम दोनों को यहाँ पे मारने आया था। दद्दू दद्दू जी, अगर शक्ति भैया गिरफ्तार हो गए तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरी मंगनी भी टूट जाएगी। इतना ही नहीं दद्दू, आज तक आपने हमारे खातिर जितनी मुसीबतें उठाई है, जितनी कुर्बानियां की है, उन सब पे पानी फिर जाएगा दद्दू। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ दादू जी, अगर आप ये खून अपने सर ले लें तो। नहीं नहीं भैया नहीं, आप इन दोनों की बातों में हरगिज नहीं आना, ये दोनों आपको फंसा देंगे। चुप रहे,
दद्दू आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी सारी दौलत लौटा देंगे, बड़े से बड़ा वकील करेंगे। दादू आपको बचाने के लिए हम लोग अपनी जान तक दे देंगे, जान तक दे देंगे। दादू दादू जी अब भाभी और बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत करना, हम उनकी देखभाल करेंगे। नहीं, 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 आप इन दोनों की बातों में बिल्कुल नहीं आना, प्लीज आप इन दोनों की बातों में नहीं आना। दादू जी मेरी मंगनी टूट जाएगी, मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। दादू मुझे बचा लो, दादू मुझे बचा लो। दादू पुलिस आ गए, दादू दादू कुछ तो कीजिए, दादू दादू मुझे बचा लीजिए, दादू दादू क्या हुआ, दादू पुलिस आ गए, दादू दादू जी। ये तूने क्या किया हा? अरे उन शैतानों को बचाने के लिए तूने अपने आप बुलाकर जेल के सलाखों के पीछे ठूंस दिया, ये क्या किया तूने? जानता है तुझे खून के बदले कुछ भी सजा हो सकती है। अरे तूने क्या किया रे पगले, ये क्या किया तूने? कुछ नहीं होगा बाबा जी, जिसके सर पर आप जैसे बाप का साया हो उसे क्या हो सकता है। कुछ दिनों की सजा होगी, काट कर आ जाऊंगा। अगर मेरे भाई को सजा हो जाती तो मैं उस देवी को क्या जवाब देता जिसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत बच गई। उस देवी की तुझे चिंता है और इस देवी की चिंता नहीं है, जैसे पवित्र अग्नि के सामने तूने अपनाया था जिंदगी की खुशी देकर वादा किया था। अरे उन लोगों की परवाह है तुझे और उस बच्चे की परवाह नहीं है जो उसकी कोख में पल रहा है रे। बेटा ऐसा कोई कानून नहीं है कि तेरे बदले मैं इन सलाखों के पीछे आ जाऊं। ये क्या कह रहे हो बाबूजी? ठीक कह रहा हूं रे, तू जब अपने नालायक भाइयों के खून का इल्जाम अपने सर पे ले सकता है तो क्या ये बाप अपने कलेजे के टुकड़े के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बाबूजी मैं कानून की दी हुई हर सजा हंस हंस के काट लूंगा, लेकिन अब आप जो सजा दे रहे हैं वो मैं नहीं काट पाऊंगा बाबूजी, नहीं काट पाऊंगा बाबूजी। अरे बेटा मैं अपने तकदीर पे नाज कर रहा हूं कि भगवान ने मेरी झोली में ऐसी औलाद डाली है। भगवान हर दुखी मां बाप को तुझ जैसी औलाद दे। हाँ बेटा। अरे बहू तू बहुत तकदीर वाली है, बहुत भाग्यशाली है कि तुझे ऐसा पति नसीब हुआ है। ये तो देवता है, इस कलयुग में ऐसा राम कहां नसीब होता है। तू सीता है तो क्या राम पाया है तूने। ये भरती तू तू मां बनने वाली है और मैं बाप बनने वाला हूं। तू मां बनने वाली है और ये शंकर बाप बनने वाला है। भरती भरती नहीं रोना मत। अरे पगली ऐसे खुशी के मौके पर रोती नहीं, हंसना। देख देख मैं बाप बनने वाला हूं और तू मां, ये शंकर बाप बनने वाला है, हंसना। नहीं 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 रोते नहीं, रोते नहीं पार्वती पार्वती पार्वती। तू चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं, बोलना। क्या बोला तभी तुमने सोचा तुम्हारे पीछे मेरा क्या होगा, कैसे बिताऊंगे कहीं पर? ये सब भगवान की मर्जी है पार्वती, हम लोग क्या कर सकते हैं। धरती पर कष्ट तो राम और सीता को भी झेलने पड़े थे। सीता महल छोड़कर 14 साल वनवास काट सकती है, मगर मगर राम के बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मैं समझता हूं, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर। अदालत मुजरिम शंकर दयाल चौधरी के इकबाल जुर्म को मद्देनजर रखते हुए ताजरात हिंद दफा 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा,
यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है। अरे शक्ति, तेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि बड़े भैया ने खून अपने सर ले लिया, वरना तू तो गया था कम से कम 14 साल के लिए। अरे सजा तो अब भी होगी। तू क्या सोचता है कि जुगंदर का खून होने के बाद वो डाबला भाई छोड़ देगा हमें? डाबला भाई, उस साले को भी लंबी तीर्थ यात्रा पर भेज देता हूँ। तीर्थ यात्रा? तीर्थ यात्रा। तो एक फोन लगा। 614-3495। अरे ये तो कमिश्नर का नंबर है। कमिश्नर साहब, एक जगह है समुद्र पैलेस और उसका मालिक है डाबला भाई। वहां आपको लाखों रुपए का स्मगलिंग का सोना मिल जाएगा। सोना मिलने के बाद हमें हमारा कमीशन दे दीजिएगा। यह तो वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, हम खुद ही अपना कमीशन लेने आ जाएंगे। थैंक यू। गया साला 10 साल के लिए अंदर। वाह छोटू वाह, क्या दिमाग है मेरे लाल का। पुलिस? क्या बात है इंस्पेक्टर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारे होश तो ठिकाने पर है, जानते हो ये किसका घर है? ए, मिस्टर पांडे को फोन लगा सर। माफ कीजिएगा, उन्होंने हमें यहाँ तलाशी के लिए भेजा है। क्या, कमिश्नर पांडे ने भेजा? जी हाँ, हमें खबर मिली है कि आपके यहाँ गैर कानूनी सोना है और ये रहा आपका सर्च वारंट। ठीक है, चलो तलाशी लो। इंस्पेक्टर, अरे भाई खामखा वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। देखो अब तुम टाबला भाई के घर आ ही गए हो तो तुम्हें प्रसाद मिल जाएगा। छोड़ो ये तलाशी वलाशी। सर इसमें सोना है। You are under arrest, Mr. Dabla. मुझे अरेस्ट करके इंस्पेक्टर तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मैंने तुम्हारी ये वर्दी ना उतरवाई ना तो मेरा नाम भी डाबला भाई नहीं। चलो मेरे साथ। हिम्मत रखो बेटी, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बस चौधरी साहब, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। लड़का? हाँ जी। मेरा पुत्र? बड़ी मेहरबानी। हे भगवान, मैं दादा बन गया। तूने इस बुढ़ापे में
मेरी लाज रख ली, मेरी लाज रख ली तूने, मेरी लाज रख ली। शंकर तुमसे मिलने तुम्हारी बीवी आई है। पार्वती बच्चा, मैं भी आया। जरा साहब मेरी बीवी मेरे बच्चे को लेकर आई है, वो मेरा पहला बच्चा है, मैं उसे गोद में लेना चाहता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है जाओ, आपको भगवान 100 साल की उम्र थे। मेरा बेटा बिल्कुल बाबूजी पर गया है ना। बाबूजी कैसे हैं? ठीक है। पार्वती मैं कितना बदनसीब हूं, ना तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति बन सका, ना इस बच्चे के लिए एक अच्छा बाप। ऐसा मत कहिए। इस वक्त मेरी हालत ऐसी है, मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं हूं। तुम कैसे हो? बस जिंदा हूं, एक एक दिन आपकी यादों में बिता रही हूं, हर रात यही सोचती हूं कि आपकी सजा नहीं मेरी सजा है। ऐसा क्यों हुआ? नहीं बोलते मत रो। शंकर मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। हाँ पार्वती, बच्चे का ख्याल रखना, बाबूजी का ख्याल रखना। चलो शंकर। हाँ बाबूजी, हम आपको एक खुशखबरी देने आए, हमने सेठ दुर्गा प्रसाद का सारा कर्जा सूद समेत चुका दिया है। सच? हाँ भाभी। बबल तू ऐसा कर नहीं सकते, और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो जिंदगी में पहली मर्तबा को अच्छा काम किया है। शंकर सुनेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हाँ बाबूजी, आज तक इस घर में जो कुछ भी होता रहा है सिर्फ दादू की खुशी के लिए होता रहा है। यानी कि हमने आपकी सारी जमीन और जायदाद जमुना दास के हाथ बेच दी, और ऊपर से 10 लाख रुपए भी ले लिए। मगर तुम कैसे बेच सकते हो, वो सब तो शंकर के नाम है। दादू के जाली दस्तखत करके। यही मानो, निकल जाओ घर से बाहर। बाबूजी निकलना तो अब आपको पड़ेगा यहाँ से। तुम्हारे भाई को जेल से आ जाने दो, फिर हम खुद चले जाएंगे। देखो भाभी, अब इज्जत इसी में है, कल तक बाबूजी को साथ में लेके किसी झोपड़े में चली जाओ, वरना पुलिस धक्के मार मार के आप लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देगी। पुलिस की धमकी देता है? बाबूजी साला बुढ़ा। बाबूजी दादाजी, बाबूजी दादाजी, कुछ बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम्हारे अच्छे चाल चलन की वजह से सरकार ने तुम्हारी बाकी सजा माफ कर दी है, आज तुम रिहा किए जाते हो। लो यहां दस्तखत कर दो। बाबूजी, पार्वती कहां चले गए सब? बाबूजी कौन है आप? मगर आप कौन है? मैं इस घर का मालिक हूं भाई। घर के मालिक? इस घर के मालिक तो मेरे बाबूजी है, गंगा प्रसाद जी। अच्छा तो तुम उनके बेटे हो? जी। लेकिन ये घर तो बिक चुका है, मैंने सेठ जमनादास से खरीदा है। बिक चुका है? हाँ। तो फिर मेरे बाबूजी मेरी बीवी कहाँ? भाई उनके बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, आस पड़ोस में पता लगा, कोई बता सकता है शायद। नमस्ते राम जी।
की हर ईंट पे लिखी कुर्बानी की कहानी। माटी मोल बेच दी किसने ये पुरखों की निशानी। जिसको लहू से सींचा मैंने उजड़ गया वो गुलशन। माला टूटी बिखरे मोती खो गया मेरा जीवन। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। शंकर बेटी तुम कैसे हो? कब आए? वहां घर में कोई नहीं है, कहां चले गए सब? सब क्या हो गया? तुम्हारे भाइयों ने पैसों के लालच में जमीन जायदाद सब बेच डाली, सबको घर से बेघर कर दिया। मेरे भाइयों ने सब कुछ बेच डाला? ये कैसे हो सकता? बाबूजी किधर? बाबा अब चुप क्यों? बाबूजी किधर है? बाबा बाबूजी किधर है? तुम्हारे बाबूजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं, नहीं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाबा कह दीजिए, आपने जो कुछ कहा वो सब झूठ है, कह दीजिए। मेरे बाबूजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे बाबूजी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। धीरज रखो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। बाबा पार्वती कहाँ है? मेरा मुन्ना कहाँ है? आप क्या बताऊं बेटे, तुम्हारे पिताजी के मरने के बाद पार्वती एकदम टूट सी गई। मेरे लाख समझाने पर भी कि तुम्हारे आने तक वो मेरे साथ रहे, उसने इनकार कर दिया। कहने लगी मैं गांव में रहकर अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा लोगों की ये ताने सुन सुनकर बड़ा हो कि उसका बाप खूनी है। वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? भाई साहब एक ग्लास पानी पिला दीजिए। लो।
कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। शंकर तुम यहां और इस हालत में, बात क्या है? मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ लूट गए। आखिर हुआ क्या? न जाने मेरा बच्चा मेरी पार्वती कहां गुम हो गए। तेरी पार्वती, तेरा बच्चा? अरे वो तो मुझे मालूम है। तुझे मालूम है मेरी पार्वती कहां है? हाँ हाँ मुझे मालूम है। बता जल्दी बता, मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, मेरी जान मेरी जिंदगी। बता मेरी पार्वती कहाँ है? बता कब है? ये घर वाले बहुत अच्छे हैं, काम करने में शर्म कैसी है। मेरी बात छोड़िए, आप कैसे हैं? कैसा हो सकता हूं, मना कहा है? पार्वती मुन्ना कहाँ है? मुन्ना मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मगर आपके आंसुओं का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। शायद शायद भगवान के ही मर्जी थी। भगवान भगवान कौन भगवान, कैसा भगवान, कहां है भगवान? बुलाओ अपने भगवान को और पूछो उसे, उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? कोई भगवान नहीं है पार्वती, सब झूठ है, बकवास है, धोखा है। पार्वती आज तक दुनिया ने इस शंकर का शांत रूप ही देखा है, आज के बाद अरे दादू जी आप जेल से कब आए? हमें पहले मालूम होता, हम गाड़ी लेकर आते, फूल माला से आपका स्वागत करते दादू। दादू नहीं, दादू साड़ी की बात
निकल जाएंगे। नहीं भाई साहब, नहीं नहीं नहीं। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। दादूजी, 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 हमें माफ कर दीजिए, दादूजी, हमें माफ कर दीजिए, दादूजी। आज मेरी बात तेरी समझ में नहीं आएगी, मगर एक दिन तो अपने बूढ़े बाप की बात को याद करके पछताएगा। तो शायद उस दिन तेरा बाप तेरे साथ नहीं होगा। दादू, हमें माफ कर दो दादू। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। कुछ होता है क्या तुमको भी कुछ कुछ होता है, मुझको तो कुछ कुछ होता है क्या तुमको भी कुछ कुछ होता है, जो कुछ मुझको होता है बोलो ऐसा ही तुम्हें भी कुछ होता है, बोलो बोलो तुम क्या करोगे, आएंगी बहारें तुम क्या करोगे, छाएंगी फिजाएं तुम क्या करोगे, मैं खटाऊंगी छुप जाऊंगी तुमको नहीं मिल पाऊंगी, जाओगे तुम जहां जहां पाओगे मुझको वहां वहां, तो कुछ कुछ होता है क्या तुमको भी कुछ कुछ होता है, जो कुछ मुझको होता है बोलो ऐसा ही तुम्हें भी कुछ होता है, बोलो बोलो ना 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 ना, बोलो बोलो ना 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 ना।
जन्म जन्म मुझको भी कुछ कुछ होता है क्या तुमको भी कुछ कुछ होता है मुझको भी कुछ कुछ होता है क्या तुमको भी कुछ कुछ होता है जो कुछ मुझको होता है बोलो ऐसा ही तुम्हें भी कुछ होता नहीं 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 मुझे माला का स्वागत नहीं चाहिए मुझे जेल में काटे हुए एक एक पल का हिसाब चाहिए मुझे शक्ति दयाल चौधरी चाहिए प्रेम दयाल चौधरी चाहिए जिंदा या मुर्दा तुम हट कौन हो तुम लोग क्या बदतमीजी है चलो ये बदतमीजी नहीं है तुम्हारा बाप आ गया डाबला से जेल से ए, क्या देखता है चलो तुम दोनों को बुलाओ नाश्ते में कुत्ता खाया था क्या तो भौंक रहा है कह दे अपने डाबला सेठ से कि हम नहीं उसे मिलना चाहते जाओ इस घर से बाहर आओ ए, क्या चलो ए, अभी इसी वक्त क्या हो रहा है कहां लेके जा रही है वहीं पर डाबला सेठ के पास दीदी अब क्या होगा चलो मेरे साथ मैं बताती हूँ भैया 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 डाबला भाई के आदमी आपके दोनों भाइयों को जबरदस्ती उठा के लेके गए हैं उनकी जान खतरे में है आप किसी तरह उन्हें बचा लीजिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके जज्बात को अच्छी तरह समझ सकती हूँ लेकिन आज अगर आपने उन्हें नहीं बचाया तो आप दोबारा उन्हें जिंदा नहीं देख सकेंगे भैया मैं जानती हूँ भैया आप पहले भी हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दे चुके हैं हमारी खातिर आपको जेल जाना पड़ा आपके परिवार को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी इसलिए आपको उनसे नफरत करने का पूरा अधिकार है लेकिन लेकिन फिर भी अपने सुहाग को बचाने के मोह में हम दोनों यहाँ दौड़ी चली आई अगर अगर आप उन्हें नहीं बचाना चाहते हैं तो हम आपको मजबूर नहीं करेंगे भैया हम आपसे माफी चाहते हैं हमें कोई गिला नहीं हम चलते हैं ठहरा सुनिए आज आपको खामोश नहीं रहने दूंगी आपको इनकी मदद करनी ही चाहिए यह सच है कि आपको अपने भाइयों की वजह से दुख की आग में जलना पड़ा और यह भी सच है कि उनकी वजह से हमारे स्वर्ग जैसा संसार तिलकों की तरह बिखर गया सब कुछ उजड़ गया मगर फिर भी इंसान को किसी मोड़ पर आकर मजबूर होना पड़ता है जरा सोचिए कौन है वो लोग उनकी रगों में भी आपके पिताजी का ही खून है भगवान ना करे आपके भाइयों को कुछ हो गया तो गंगा प्रसाद के खानदान की ये बहुएं विधवा हो जाएंगी मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज अपनी बहनों के सुहाग की भीख मांग रही हूँ किसी के लिए न सही मेरे खातिर उनकी रक्षा करनी ही पड़ेगी रक्षा करनी ही पड़ेगी जादो मेरा ही माल खा कर मुझे जेल भजवा कर ऐश करते रहे तुम लोग अपने बाप का माल समझ रखा था क्या है? तो डाबला भाई को चूहा है जो बिल के अंदर घुस जाएगा क्योंकि डाबला भाई वो शेर है जिसकी एक धार से तुम जैसे हजारों चूहे बिल के अंदर वापस घुस जाते हैं तुम लोगों ने समझा होगा कि मैं 10 साल के लिए जेल किया गया इस दुनिया से ही चला गया है? अरे डाबला भाई जब तक तुम जैसे मक्कारों का खात्मा नहीं कर लेता
तब तक इस दुनिया से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको इन दो भाइयों पर शर्मिंदा होना पड़े। दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो, दादू हमें माफ कर दो।
अगर इस भाई के लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो इन दोनों की शादी कर दो। और सुनो, जिंदगी में अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। आज ये जाना क्यों ये?